नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानते हैं घर में बरकत नहीं होती, ये 30 काम बनते हैं गरीबी का कारण, आज से इन कामों को करना छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, आजकल हर कोई यह शिकायत करता है कि घर में बरकत नहीं होती है, पैसे में बरकत नहीं है, घर में परेशानी है, पैसा होने के बाद भी जरूरतें पूरी नहीं होती। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपको सबसे पहले इस परेशानी की वजह तलाश करनी होगी, फिर उस वजह को ख़त्म करना होगा जो हमारे घर की बरकत को ख़त्म करती है और परेशानियां पैदा करती है। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत से ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके घर में बरकत को ख़त्म करते हैं, जिन्हें करने से गरीबी आती है, ऐसे काम जो जिंदगी में परेशानियों की वजह बनते हैं, 30 काम जिन्हें करने से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप भी घर में तंगी, गरीबी और बेबरकती से परेशान है तो आप इन चीज़ों और कामों को करने से परहेज करें जिन बातों को हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप ऐसे कामों से दूर रहेंगे तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और बरकत लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नहाते समय पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पे पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकता है आपके घर में गरीबी की वजह। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। टूटी हुई कंघी से कंघा करना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, जैसे टूटे हुए बर्तन में खाना बनाना आदि ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं, इससे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि घर में नल खराब हो गया है और उसमें से पानी टपकता है तो उस घर के लिए शुभ नहीं होता है, उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 5, कई लोग घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 6, घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 7, मेहमान के आ जाने पर नाराज होना। कुछ लोग मेहमान के आ जाने पर बुरा मुंह बना लेते हैं, बस उनके जाने का इंतजार करते हैं। नंबर 8, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की आदत को आपको एक दिन गरीब बना देती है। नंबर 9, दांत से रोटी काट के खाना। दांत से रोटी काट कर खाना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 10, जिन लोगों को घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनको काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिलती। नंबर 11, खड़े खड़े पजामा पहनना। बुजुर्गों के अनुभव से खड़े खड़े पजामा पैंट पहनना भी अच्छा नहीं होता। नंबर 12, औरत का खड़े खड़े बाल बांधना। बहुत सी औरत खड़े खड़े बालों में कंघी करती है या बांधती है, उनकी यह आदत भी घर में गरीबी का कारण बनती है। नंबर 13, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना, देर से जागना, सुबह जल्दी उठने के बाद बहुत से अच्छे अच्छे फायदे होते हैं, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। नंबर 14, पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी गलत माना जाता है, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 15, टॉयलेट के अंदर बातें करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के जरिए बातें करते रहते हैं, तो ये भी गरीबी का कारण बनते हैं। नंबर 16, उल्टा सोना। बहुत से लोगों का उल्टा सोना, उल्टे लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। नंबर 17, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान या शमशान घाट में हंसना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 18, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। पीने का पानी रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 19, घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है, इससे घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है, इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे
ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 20, घर में बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है, इसीलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 21, अपनी औलाद को हर वक्त कोसना। हर वक्त अपनी औलाद को लड़ते डांटते रहना भी अच्छा नहीं होता, इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं। नंबर 22, कुछ लोगों के दरवाजे पर बैठने की आदत होती है या उन्हें अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे के तरफ से सर करके सोना भी नहीं चाहिए। नंबर 23, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें प्याज लहसुन आदि के छिलके निकालकर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती है, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। नंबर 24, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह कहते सुना होगा कि मोमबत्ती अगरबत्ती आदि जैसी चीजों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 25, कस्में खाने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती है। नंबर 26, उल्टा चप्पल देखकर उसे सीधा ना करना। यदि आपको उल्टा चप्पल दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे, क्योंकि यह चप्पल भी आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकता है। नंबर 27, घर में मकड़ी का जाल होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। नंबर 28, रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है, ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। नंबर 29, दान नहीं करने से भी घर की बरकत चली जाती है और गरीबी आ जाती है। नंबर 30, कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। रात को जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।